फिर कहाँ गई? यहीं तो रखी थी मैंने। सोना, निकालो चॉकलेट। लेकिन मैंने चॉकलेट खा ली। अब चांदी के लिए चॉकलेट निकालो। निकाल कर ही तो खाई है। सोना, तुमने चांदी की चॉकलेट क्यों खाई? चांदी का क्या नाम लिखा होगा इस पे? बदतमीज, एक तो गलत हरकत करते हो, ऊपर से जुबान भी चलाते हो। खबरदार, किसने मारे मेरे पुत्र को? मैंने खूबसूरत मेरा कान मोड़ा है। तेरी ये जुर्रत, तूने लोहे का कान मोड़ा है? इसका कान लोहे का है। तू मेरे बच्चे को बहरा करना चाहती थी चड़ैल? तमीज से बात करें माँ जी। चुप है! तूने मेरे पुत्र का कान मरोड़ा है, मैं तेरी पुत्री को कान मरोड़ूंगी। माँ जी, तूने मुझे मुक्का मारा। मुक्का माँ जी। चुप है! चल तू कमरे में जा। चांदी, आप भी जाए कमरे में। चलो आराम से। तूने मुझे मुक्का मारा है, तेरी ये मसाल। धक्का माँ जी। क्या हुआ माँ जी? मैंने तुम्हें बुलाया है। जी जानू। नबीर, तुम्हारी माँ ने मुझ पर हाथ उठाया है यार। माँ जी, तुम्हें? अरे हुआ क्या है मोमो? इस रजिया ने हमारे बच्चे का सुनने वाला कान मरोड़ा है जफर। क्या? हाँ जी भाई, उसने चांदी की चॉकलेट खा ली थी। हाँ तो चॉकलेट ही खाई थी, कौन सा तेरी बच्ची खा गया था? माँ जी, माँ जी छोड़े मेरी बीवी को। अरे तुमने मेरी बीवी को धक्का दिया? ए, आपकी बीवी मेरी बीवी को मार रही थी। अरे ये तुम्हारी माँ है नबील, तो ये मेरी बीवी है। माँ बीवी से बड़ी होती है नबील। इस बड़ी माँ ने कितनी छोटी हरकत की है महमूद साहब। छोटी हरकत तुम्हारी छोटी सी बीवी ने की है। आप बातें क्यों कर रहे हैं? लगा के टकाए इसके मुंह पे दो। नबील, महमूद साहब, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। आप भी कमरे में चले ना। छोड़ दो मुझे, बस छोड़ दो। नबीर, खुद को कंट्रोल करो यार। जानू, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरा कितना खून खौल रहा है। गुस्सा ठंडा करो नबीर, प्लीज। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? पहले तुम मेरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी, अब मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता। सच नबीर? हाँ जानू, अपने पापा से फोन करके बोलो हमारे लिए दूसरे घर का बंदोबस्त करें। हाँ, अरे हम यहाँ से क्यों जाएं? माँ जी और महमूद साहब को बोलो ना कि घर से निकलें। नहीं जानू, मैं बेशरम जरूर हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ कि अपनी माँ को घर से निकाल दूँ। ठीक है, फिर तुम भी अपनी माँ के साथ इस घर से चले जाओ। खूबसूरत। क्या है? तुमने इतनी घटिया बात कर दी है जानू, मुझे लग रहा है मुझे माँ जी और महमूद साहब को अब इस घर से निकालना होगा। अरे देखता हूँ कौन निकालता है मुझे इस घर से। शाबाश। अरे किराया देते हैं यार। किस चीज का? रिक्शे का, टैक्सी का। हा? और नहीं तो क्या, ये घर उसके बाप का है क्या? तो फिर क्या आपके बाप का है? अरे किसी के भी बाप का हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और अगर उसने जबरदस्ती की इशफाक? महमूद। हाँ, उस महमूद ने अगर हमारे साथ जबरदस्ती की। मोमो, ये पाकिस्तान है पाकिस्तान, यहाँ पर मालिक मकान से ज्यादा किराएदार के हकूक होते हैं। ना हम कर क्या लेंगे? अरे कब्जा कर लेंगे घर पे, कोर्ट में लेके जाए नबील केस, मैं लड़ लूंगा। अभी तो आप इतना लड़ के आए हैं बाहर से। अरे मैं आज लड़ूंगा, मगर ये घर नहीं छोड़ूंगा। महमूद साहब, आ रहा हूं। महमूद साहब, क्या है? आपको ये घर खाली करना होगा। क्यों, तुमने यहाँ पे फुटबॉल खेलना है? महमूद साहब, हम आप लोगों के साथ नहीं रह सकते, आपको इस घर से निकलना होगा। अरे हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं महमूद साहब। अरे जाओ, तुमने जो करना है कर लो, जिसको बुलाना है बुला लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसका मतलब है इसका फैसला कोर्ट में होगा। ठीक है, ये बात है तो यही सही, अब हम कोर्ट में मिलेंगे। ओके। मैंने कोट पहन लिया महमूद साहब। मैंने भी कोट पहन लिया है। आपने अपने वलीमे का कोट पहना है? मैंने अपने भांजे का कोट पहना है। चले ठीक है, फिर कोर्ट में फैसला कर लेते हैं। लेकिन फैसला क्या करना है? मेरे ख्याल में किसी तीसरे आदमी को बुला लेते हैं जो हमारी दोनों की बात सुन के फैसला करे। ठीक है, भट्ट साहब को फोन करो। ओके। हेलो भट्ट साहब, आपकी एंट्री है। जय महमूद साहब, दरवाजा खोले भट्ट साहब दरवाजे पे। इतनी जल्दी? हो सकता है फैजान ने जल्दी टाइम दे दिया। उन्हें ये फैजान का बच्चा मुझे भी हमेशा जल्दी टाइम दे देता। आप कौन सा हमेशा जल्दी आ जाते हैं महमूद साहब। अच्छा यार, खैरियत तो है ना?
खैरियत नहीं है। क्या मतलब? ये नबील और खूबसूरत जबरदस्ती हमें इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो मुझे क्या सामान उठा के बाहर फेंकने के लिए बुलवाया क्या? अरे नहीं भट्ट साहब, आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि आप इस मसले का कोई हल निकाले। हम इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? अरे पूरे 100 एपिसोड किए हैं इस घर में हमने, हमें मोहब्बत है इस घर से। सीधी तरह बोलो ना कि दूसरे घर का किराया देने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। हाँ ये ये, ये, ये बात भी है भाई। मैं उसूल वाला आदमी हूँ, दोनों तरफ की बात सुन के ही फैसला करूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये रखें। हाँ, ये देख के लग रहा है कि तुम ही सही हो। गुड, वेरी गुड। अब आइए। अरे भट्ट साहब, नबील तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। तुम अपनी माँ और बाप जैसे बाप को घर से निकालना चाहते हो। ओ भट्ट साहब, मेरी भी तो सुने यार। नबील तुम्हारा केस बहुत कमजोर है, तुम अपने माँ बाप को इस घर से नहीं निकाल सकते। अरे यार, आपने मेरा केस सुना ही कहाँ है अभी। तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम इतने पैसे नहीं दे सकते। मेरा मतलब है तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम्हारा केस कमजोर है। बस फैसला हो गया, मुमताज और महमूद साहब इसी घर में रहेंगे, तुम इन्हें इस घर से नहीं निकाल सकते। सुन लिया तुमने नबील? अब तुम हमें इस घर से निकालने के बारे में सोचना भी मत, वरना भट्ट साहब तुम्हें जेल में डाल देंगे। क्यों भट्ट साहब? जेल में डालने के लिए ये पैसे थोड़े। और भट्ट साहब आए ना आप यार, मेरा केस तो सुने ना। चले आए यार, आए। मोमो आ जाओ बाहर, हमारा फैसला हो गया है। और नहीं नबील, नहीं, फैसला तो हो गया। लेकिन भट्ट साहब यार, मैंने आपको बुलाया था, आप महमूद साहब की साइड क्यों ले रहे हैं यार? ओए महमूद ने मुझे साइड में ले जाके 1000 रुपए जो दिए हैं। हैं? हाँ भाई, मैं उसूलों वाला आदमी हूँ, मैं हराम खोरी नहीं कर सकता, मुझे वो 1000 रुपए हलाल करना ही होंगे। और यार आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे भट्ट साहब? क्यों, तुमने उधार मांगना था? और नहीं यार, उन्होंने 1000 दिए ना। हाँ, मैं आपको 1500 दूंगा। क्या? हाँ, वो जो तुम मुझे दोगे वो 1500 रुपए होंगे। हाँ जी, ये ले भट्ट साहब, बस फैसला मेरे हक में होना चाहिए। फिक्र ही मत करो तुम, आओ मेरे साथ चले। भाई नबील की बात सुन के मुझे लगता है कि नबील और खूबसूरत के साथ ज्यादती हुई है। हाँ, तुम दोनों इस काबिल नहीं हो कि इस घर में रह सको। भट्ट साहब, अपना सामान पैक करो जल्दी से और निकलो यहाँ से। अरे, अरे लेकिन भट्ट साहब, मैंने तो आपको 1000 रुपए दिए थे। नबील ने 1500 दिया। ये ले भट्ट साहब, 1000 और, अब 2000 हो गए आपकी तरफ। यार नबील वैसे आदमी ये बुरा नहीं है। ओ यार भट्ट साहब, पकड़े ही आ रहा, पकड़े, चले। भट्ट साहब आप पहले मेरी बात सुने। तुम दोनों आपस में सुलह क्यों नहीं कर लेते? ओ यार भट्ट साहब, हमने आपको सुलह करने के लिए थोड़ा बुलाया है। हम बिल्कुल सुलह नहीं करेंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि सुलह कर लो तो कर लो। भट्ट साहब देख लें, फिर आपको पैसे वापस करने होंगे। मेरा नहीं ख्याल के तुम लोगों को आपस में सुलह करनी चाहिए। हाँ। तो फिर क्या करें यार? कोई बीच का रास्ता निकालें भट्ट साहब। इस घर में से नहीं, इस मसले में से। मुझे ना इस डैन की शक्ल नहीं देखनी है, मैं भी इनका मुंह नहीं देखना चाहती। फिर तो भाई सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? इस घर का बंटवारा होगा। क्या मतलब? आधा घर इनके इस्तेमाल में होगा और आधा आपके। क्या? हाँ, और आप लोगों के पास सोचने के लिए 15 मिनट है, और आपका समय शुरू होता है अब। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। मेरा ख्याल है यही ठीक है, इस तरह माँ जी को घर से भी नहीं निकालना पड़ेगा और चिक चिक भी खत्म हो जाएगी। ठीक है नबील, लेकिन फिर हमें ये बेडरूम वाला पोर्शन चाहिए, मैं लाउंज में नहीं सो सकती। ठीक है, डन। मोमो तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि इन चिप्सों में नमक कुछ ज्यादा ही डाला हुआ है। हाँ भाई, फैसला कर लिया आप लोगों ने? मंजूर है भट्ट साहब। हाय भट्ट साहब का नाम मंजूर है? बंटवारा। अच्छा, भट्ट साहब का असली नाम बंटवारा है। बस ठीक है, फिर आज से इस घर के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा नबील और खूबसूरत का और दूसरा मुमताज और महमूद का। वशे। अरे लेकिन कौन सा हिस्सा किसका होगा? जो जहाँ है वही उसका हिस्सा होगा। अरे मोमो, मुबारक हो, किचन हमारे पास आ गया। आप पता
पे चले गए चड़ेल को, जब भूखी मरेगी ना। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, आप लोगों का मसला हल हो गया। चले भट्ट साहब, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। नहीं नबील, दरवाजे वाला हिस्सा महमूद का है। क्यों महमूद? बिल्कुल ठीक है भाई, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आइए आओ जाओ। ये मैंने नाड़े बंद के लकीर खींच दी है, खबरदार जो हमारे इलाके में टपने की भी कोशिश की हो तो। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, ये तो आपको रात को पता चलेगा। रात को तो तुझे पता चलेगा बच्चू है। जानू अब तो खुश हो ना, तुम्हारे पास दो दो बेडरूम्स आ गए। लेकिन हम दो बेडरूम्स का करेंगे क्या नबील? क्या मतलब क्या करेंगे? हम चांदी की शादी के बाद दूसरा बेडरूम उसे देंगे जानू। चांदी अपनी शादी के बाद हमारे साथ क्यों रहेगी? क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए अपने जैसा मोहब्बत करने वाला और खुददार घर दमाद ढूंढूंगा। शट अप नबील। ओके जानू। जानू बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। नबील। हाँ जानू। एक बात तो हमने सोची नहीं कि खाने में क्या खाएंगे। नहीं फिर कि किचन तो माजी और महमूद साहब के पास चला गया। क्या? हाँ अब हम क्या करेंगे जानू? हम बाहर से खाना मंगवाएंगे नबील और उन्हें जला जला कर खाएंगे। खानों को? नहीं नबील, माजी और महमूद साहब को। ये ठीक है जानू, चलो इसी बात पे पिज्जा ऑर्डर करो। चलो शाबाश। अरे मोमो, अरे यार खाना ले भी आओ, बहुत भूख लग रही है। वाह क्या खुशबू आ रही है। मैंने नारियल का तेल लगाया है ना। खाने में? नहीं अपने सर में। अरे ये पिज्जा तुमने बनाया है? नहीं। अरे तो फिर किसने बनाया? पता नहीं जी, मुझे तो कोई दरवाजे पर देखकर चला गया था। अरे वाह ये तो कमाल हो गया भाई। दफा करें जी कमाल को, आप शुरू करें। लेकिन ये पिज्जा ऑर्डर किसने किया था? और छोड़ें जी, आजा सोने पुत्र तू भी आजा खा ले। जानू मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तूने ऐसा क्या खाया है नबील? कुछ नहीं खाया, इसलिए तो कह रहा हूँ यार। ऑर्डर किया है ना नबील? ओ जानू डेढ़ घंटा हो गया यार, पता करो ना कब आएगा पिज्जा। तुमसे जरा भी सबर नहीं होता नबील। हेलो जी, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था डेढ़ घंटे पहले बोलबुले वाली लोकेशन पे। क्या? अच्छा क्या हुआ जानू? वो तो कह रहे हैं कि पिज्जा इस घर में एक घंटे पहले डिलीवर हो चुका है। क्या? हाँ तो पिज्जा गया कहाँ? महमूद साहब, वाह मामू वाह, क्या लजीज पिज्जा है। हाँ मैंने भी ना आखिरी बार पिज्जा पहली बार खाया था। नबील क्या हम बाजार से भी खाना नहीं मंगवा सकते? जानू अब जिससे मंगवाओ उसका बोलक खिड़की के अंदर ले गया है। चलो जी चुप चुप के खाओ, नंगे नियते लगा रहे हैं। नंगे नहीं भूखे। हाँ जी नंगे भूखे लगा रहे। माँ जी जानू बहुत भूख लग रही है यार। हाँ तो किसने कहा था घर का बंटवारा करने को? यार बेडरूम वाला पोर्शन तो तुमने खुद सिलेक्ट किया था। मुझे क्या पता था कि खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा नबील। खाली पेट तो मुझे नींद भी नहीं आएगी जानू। तो फिर इन तकियों में से रुई निकाल कर खा लो। आइडिया बुरा नहीं है जानू। शट अप नबील। जानू मेरे ख्याल में माँ जी और मामू सब सो गए होंगे, चलो चल के देखते हैं किचन में शायद कुछ बचा हुआ हो। नबील चांदी कहाँ है? जानू वो तो पूरे एपिसोड से गायब है, अब तुम्हें उसका ख्याल आ रहा है। मुझे अपने कमरे में जाना है रमीज। महमूद। हाँ मुझे महमूद के कमरे में जाना है, मुझे यहाँ वो नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी यहाँ नहीं आ रही मोमो। पता नहीं ये पीतल कैसे सो रहा है यहाँ पे। हाय मेरा पुत्र पीतल कहाँ गया? अरे अभी तो यहीं था। हाय ढूंढो ना किधर चला गया वो मेरा बच्चा। आओ आओ देखे उनको। हाँ आजा। ख
खाओ चांदिया, को भूख लग रही थी ना। मैं अभी चॉकलेट कभी नहीं खाऊंगा। मैं भी आपके साथ चॉकलेट शेयर करूंगा। यार महमूद साहब, आपको नहीं लगता हम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं यार? हाँ यार, इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है? मैं तो कहती हूँ लानत भेजो इस बंटवारे पर और इस नाड़े पर। हाँ हम आइंदा कभी अलग होने की बात नहीं करेंगे। हाँ पुत्र, मुझे तो वैसे भी सोफे पर नींद नहीं आ रही थी और मुझे खाली पेट नींद नहीं आ रही माँ जी। हाँ तो पुत्र जा किचन में, तुम लोगों के लिए ना पिज्जा रखा हुआ है उधर। हाँ माँ जी, आप भी बेडरूम में जाके आराम से सो जाएं। चलो जानू, आप भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मोमो इधर इधर आओ, देख के। माँ जी यहाँ तो कोई पिज्जा नहीं है। पुत्र वो तो हमने खा लिया हुआ है। ये तो चीटिंग है माँ जी। चुप। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है।